सुशासन बाबू के राज्य में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। शुक्रवार को बिहार में निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिरने की घटना सामने आई है। मामला मधुबनी का है, जहां पर भूतही नदी पर निर्माणाधीन पुल का बिम गिर गया। करीब 3 करोड़ रुपए की लगातार से लागत से बन रहे इस पुल के गिरने से सालों की मेहनत पर पानी फिर गया है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। पिछले 11 दिनों में पुल गिरने की यह 5वीं घटना है, और इससे पहले 27 जून को ही किशनगंज में मंडिया नदी पर 2011 में बने पुल का एक हिस्सा ढह गया था। वही मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है? करोड़ों के ब्रिज रेत के महल की तरह क्यों धराशायी हो रहे हैं? बाढ़ या बारिश के बिना ही क्यों गिर रहे हैं पुल? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुशासन बाबू के राज में पुलों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को एक और पुल धड़ाम हो चुका है, और एक एक करके पिछले 11 दिनों में एक या दो नहीं बल्कि 5 पुल जल समाधि ले चुके हैं। सिवान से किशनगंज और अररिया से मोतिहारी तक ब्रिज का कनेक्शन टूटा है, और अब मधुबनी में एक निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिर गया है, जिसने प्रशासन पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला मधुबनी का है, जहां शुक्रवार को एक निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिर गया। 2 दिन पहले ही पुल के गार्डर की ढलाई हुई थी, तभी नदी में पानी बढ़ जाने से गार्डर का सपोर्ट हट गया और गार्डर धराशायी हो गया। मधेपुर के भेजा कोसी बांध चौक से महपतिया मुख सड़क में ललवारही के पास की घटना है, जिसमें राहत की बात यह है कि घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 साल से हो रहा है। कुल 75 मीटर लंबे निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। 2 पिलर के बीच बीम ढालने के लिए सैनिटरिंग किया गया था, जो पानी में बह गया। सैनिटरिंग के बह जाने के बाद ये गार्डर ढह गया। पुल के गार्डर के गिरने के बाद स्थानीय लोगों में ये अफवाह फैल गई कि पुल गिर गया है। हालांकि थोड़ी ही देर बाद साफ हो गया कि पूरा पुल नहीं गिरा बल्कि पुल का गार्डर गिरा है। 11 दिनों में बिहार में पुलों के गिरने का ये 5वां मामला है। सबसे पहले 18 जून को अररिया के सिट्टी में बकरा नदी में बना पुल गिरा। 4 दिन बाद 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बने पुल ने जल समाधि ले ली। इसके अगले ही दिन यानी 23 जून को मोतिहारी में भी एक ब्रिज ढह गया। फिर 3 दिन बाद किशनगंज में भी एक पुल नदी के आगोश में समा गया, और अब मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिर गया। यानी एवरेज निकाले तो करीब 50 से 55 घंटे में बिहार में एक न एक पुल गिर रहा है। पिछले 11 दिनों में 2 पुराने और 3 निर्माणाधीन पुल ढह चुके हैं, जिन घटनाओं पर बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने PM मोदी से लेकर CM नीतीश तक सब पर निशाना साधा, पुल गिरने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और तंज कसते हुए पूछा कि आखिर सालों से निर्माणाधीन पुल क्यों गिरा। तो मामले पर बिहार के डिप्टी CM का कहना है कि जो पुल टूटे हैं वो ग्रामीण विकास विभाग के हैं। ये पुल जो भी इधर गिरे हैं, ये पथ निर्माण विभाग के पुल नहीं है, इस विभाग से जुड़े नहीं है। जिस विभाग से, ग्रामीण कार्य विभाग का है, माननीय मंत्री जी से हम लोग भी बात कर रहे हैं और उसकी पूरी जानकारी लेकर तहकीकात करके इसकी जांच कर करके कार्रवाई भी की जाएगी, और ये कारण भी स्पष्ट किया जाएगा कि किस कारण से इस तरह की घटना घटित हुई है। 25 लाख का पुल है, जो आज जानकारी आई है कि लगभग 25 लाख के से बना हुआ पुल है। पहले पुलिया कई बनते थे ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत, तो उसकी जानकारी ली जा रही है और जानकारी हम भी पूरे प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि बिहार में ब्रिज गिरने की यह घटना कोई नई नहीं है। 30 अप्रैल 2022 को भागलपुर खगड़िया सड़क पुल टूटा,
18 नवंबर 2022 को नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल ढहा। जुलाई 2022 कटिहार जिले में निर्माणाधीन पुल गिरा। वहीं 16 जनवरी को दरभंगा जिले में लोहे का पुल गिरा। 18 मार्च 2022 को सारण जिले में अंग्रेजों के समय का पुल गिरा। तो 4 जून 2023 को खगड़िया की अगुवानी गंगा पुल नदी में समाया। ऐसे में देखना होगा कि लगातार पुल गिरने की घटनाओं पर सरकार क्या एक्शन लेती है और ये सिलसिला कब जाकर थमता है।